कहन रही है कि मैं ना जोसफ का जरा ब्याह है ना वो चिट्ठी ना नहीं करना। हाँ क्या की हो गया मम्मी पीनो, और यहाँ से जाती दफा तो बिल्कुल ठीक थी, और आती मेरी केड़ा फैसला कर रही है, बरादरी में हमारी कोई इज्जत है? ओहो ये कह रही है कि मैंने उन्हें ना मार दिया देख लिया। मम्मी ख्वाब अब नहीं है, मैंने सचमुच अपनी होने वाली दुल्हन ढूंढ ली है, बस अब आप मेरी से शादी करवा दें। और शादी के बच्चे लेके जाए से यहाँ से? हाँ लेके जा रहा हूँ मैं। खाला मैं कह रही थी कि फिर अगले महीने की कोई तारीख रख ले। अगले महीने? इतनी जल्दी? मैंने सचमुच अपनी होने वाली दुल्हन ढूंढ ली है, बस अब आप मेरी से शादी करवा दें। हाँ ठीक है ठीक है, अगले महीने ही ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे इकलौती बेटी है वो भी सबसे छोटी, बड़ा जेज बनाया हमने उसके लिए। वो मैं तो कह रही थी कि हिसाब किताब में होना चाहिए ना ब्याह, ऐसी नजरें नुजरे लग जाती होती हैं। क्या ख्याल है आपका खाला? नहीं भाई शादी धूमधाम से होगी, बेटा है हमारी भी कली कली थी है, अच्छा उसकी हम धूमधाम से ब्याह करेंगे। सरकारी मुलाजिम है जोसफ, ब्यूटीशियन है हमारी साजदा, पढ़ा लिखा है मेरा बेटा, सोनी है मेरी थी। नहीं भाई धूमधाम से ही होगी शादी। तो हम कब कह रहे नहीं धूमधाम से, धूमधाम से होगी। 150 लोग लेकर आऊंगी मैं। अब मेरी तरफ तू 200 बंदा ले आसी नहीं डरते, इरशाद है ना साढ़े को। इन्हें दंद काटनी है पोते, दंद ना कटिया कर, दंदासा लाया कर। वाह पूरा घाट तुझे बड़ा इजी लेता है। पिता कहती है चिट्टी की शादी पे तूने कुछ नहीं देना। वो बहन है मेरी, मैं कैसे नहीं दूंगा, मैंने किसी को पता ही नहीं लगने देना, ना मम्मी पीनो को ना इवन चिट्टी ढूंढनो। देखो तो सही तरह मैं करता क्या हूं मीदा। वाह टैलेंट ही बड़ा है इजाज तेरे में, पूरी फैमिली तुझे कितना इजी लेती है। वे तो बड़े रुपये आ गए मेरे पास, खर्चूंगा किधर इनको मैं। लो 150 बंदे, उन्हें 150 बंदा है केड़ा, वो ते सारे चवल कठे होए ने। उस डैन नु बड़ा मान है ना, तो पुत्र सरकारी नौकरी करदा, शर्म भी नहीं आंदी मेरी एडी सोनी चिट्टी नाल काला जो तो ब्याह करन लगा। मेरी तो वो कभी ने सुनना, कितने इशारे किए थे पाजी शाह ने, धूमधाम से शादी करनी है करो धूमधाम से शादी, तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। ओ मम्मी पीनो इजी हो गए सोच, 150 बंदों का बंदोबस्त तो तुम लोग कहाँ से करोगे? खुदा ऐसे भरा भी किसी को ना दे, 3 भरा ने मर जाने, बूढ़े माँ बाप से पूछ रहे किंज होएगा व्या, तुसे करोगे डैन दे बच्चे और कौन करेगा? नहीं डैन दे बच्चे नहीं जिन के बच्चे। हाँ हाय हमारे तो अपने खुद के खर्चा नहीं मुकते क्यों इजाज। Yes. हाँ तो फिर ये है कि हम कोई तोहफा दे देंगे, मंजी दे देंगे या फिर 2 कुर्सियाँ है, ठीक है ना इजाज। यू आर राइट, तेरी तो मंजी मैं चुक देनी है किसी दिन। हाँ बल्कि कुर्सियाँ जड़ी तू देनी है ना, तू दो वास्ते तेरे वास्ते 2 कुर्सियाँ इकली है। चुप कर मैं चुप कर मंजी तो मैं तेरी इजी हो जाओ। 150 बंदों का बंदोबस्त मेरे से तो मुमकिन नहीं है भाई। भाई जाज और 150 बंदा तो वो है जो उनकी तरफ से आ रहा है, जो हमारी तरफ से होगा वो तो मेरी तरफ से नो। तू ऐसा कर कि अपने प्यो दे ना कार्टून रिश्तेदार काट दे। ओके हाँ बल्कि तू एक काम कर, सारे मेरे रिश्तेदार का मेरे सोने भी काट दे तू, वो भी कार्टूनों के माँ प्यो ही है। पहले एक डांस ही दो हो गई, टू डांस है और मेरी भी सुन लो, तेरी सुन ली तो मननी पैनी खोते दिया पुत्रा। क्या सोचा तूने फिर? किस बारे में? चिट्टी को कुछ ना कुछ देने के बारे में। बल्कि इस तरह को पता तो है पैसे वैसे नहीं है मेरे पास,
लेकिन फिर भी राजा हमें कुछ ना कुछ तो चिट्ठी को देना पड़ेगा ना। कैसे दूं कहां से दूं, पता तो है पैसे नहीं है। तू ऐसा कर कि तू ना किसी से उधार ले ले तो शादी के बाद जो ना वापस कर दियो उसको। आज मैं उधार तो ले लूं लेकिन शादी के बाद वापस कैसे करूंगा, तुझे पता तो है कम शम नहीं है मेरे पास। तो तू कोई नौकरी ढूंढ लेना कि वापस कर देगा। बस ठीक है, फैसला हो गया, हम कुछ नहीं दे रहे चिट्ठी को। नहीं, मैं ऐसे जाके नहीं बैठूंगी खाली हाथ। ठीक है, अगर तू इतना इसरार कर रही है ना तो तेरे कहने पर ना मैं उसे दुआएं दे दूंगा। खुश है ना अब तू? तू भी बिल्कुल ना अपने बड़े भाइयों की तरह है, किसी काम का नहीं है, एक ही बहन है उसको भी कुछ नहीं देगा, बैठा रहता है सारा दिन। हम भाइयों में प्यार ही बड़ा है। शादी चिट्ठी की है, टेंशन इसको लगी हुई है। छट्टा देव लड़े हुए। तू फैसला कर ले। वो टेक इट ना। थाग दो। चार दस कैसी बनाई मैंने? हाँ चंगी है। मिदा मैंने ना तेरे से एक बड़ी इम्पोर्टेंट डिवाइस लेनी। वाट? बट तूने मेरी ना पूरी गल इजी होगी सुननी, बीच में मुझे टोकना नहीं है, मैं दास तू तुझे। हाँ ठीक है। मिदा वो चिट्टी की मैरिज हो रही ना तो मैं सोच रहा हूँ कि हम उसको गिफ्ट या कोई नगदी शक्ति दें, तो अब ऐसे गुस्से से ना देखा कर मेरी तरफ। हाँ तो हमारा सिर्फ ये काम रह गया क्या? हाँ उठा इसको। मुझे पता था तूने उन्हें भी साह लेता है तेरे कोलों। हमारा सिर्फ ये काम रह गया क्या? हम जो है उनके जेज बनाते फिरे। पाइया करम को क्यों दुबई भेजा था है? इसलिए भेजा था ना कि सारे कार का खर्चा उसने उठाना है, चिट्टी के जेज का खर्चा भी वही उठाएगा, हम क्यों उठाए? हाँ नहीं तो उम्मीदा थोड़ा सा इजी हो के सोचा कर, तेरा दिमाग जो है वो तो वैसे यूज नहीं हुआ हुआ, पर उसको थोड़ा यूज करना सीख ले। मतलब तू मेरी बात को समझ, भैन है हमारी, हमारा भी कोई फर्ज है। अक्रम बाजी इरशाद उनके ना करे। हाँ हाय तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, और कोई जिम्मेदारी तूने नहीं उठानी है। जो करना है भाई अक्रम ने करना है, मम्मी पीनो अब्बा पुट्टे और राजे ये लोग करें, हम क्यों करें? समझ आइए? तुझे ज्यादा तकलीफ है, एक काम कर, वो लिफाफा दे देना 50 रुपए डाल के। 50 रुपए डाल के? 20-25 रुपए का लिफाफा आता है, उसमें 50 रुपए डाल के दू? मैं बकवास नहीं कर, अभी मैंने कुट देना है। बात को थोड़ा समझा करना, राजा सबसे छोटा है, उसका हम बड़े हैं, कार के बड़े हैं, नेक्स्ट टू मम्मी पीनो एंड अब्बा बूटा, यू हैव टू नो। समझती नहीं तू बात को? हाँ ऐसा ना हो मैंने तुझे ना निकाह कर देना अभी, सही है? मिदा ये होता है, यही टाइम है हमारा कि हम अपनी मम्मी पीनो और अब्बा बूटे के सामने कोई नंबर बनाए, कोई उनको पता लगे कि हमारे पर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई अरशाद को भी कुछ महसूसमेंट हो थोड़ी सी। तू समझ ही नहीं रही मेरी बात को। अच्छा ठीक है, तूने मेरा कह दिया ना, तुझे वो लिफाफा दे दे उसको 50 रुपए डाल के। पी जल्दी कप वापस कर, रख के आऊं धोने भी हैं। प्लास ले लेना सी ना, ऐड कर लो। नहीं हो रहा तो पकड़ो। ओए ना मुझे तो, मैं करता हूं ना, इधर तो मेरे को पकड़ो। ओ दंग से पकड़ के कर लो, दंग से खींचो, दंग से उसके दांत लगा दे, उसके दांत बहुत बड़े बड़े। इतने एक्सपेंडिचर कर लिए और रुपये कहाँ से आए? देख हमारे पास पैसे नहीं होंगे लेकिन दिल है, दिल है ना, और ये मम्मी पीनो का घर है, मम्मी पीनो का, यहाँ पे सारा सारा साल रौनके रहती है भाई। हमारी चिट्टी का ब्याह है, हमारा बात चले तो हम 3 साल के लिए टोलकी रख दे हैं। वैसे तो यहाँ पर रोज टोलकी होनी है भाई। अच्छा जी एक मेरी गाल सुनो, एक अनाउंसमेंट जी, सारे पाकिस्तानिया ने सानू बतेरे मैसेज किए ने, मैसेज बताना इंटरनेट ते, ओ मुंह वाली किताब जड़ी होती है फेसबुक ते, हां ते वो कह रहे ने कि बाजी इरशाद वाला ड्रामा सानू बड़ा पसंद है, सारे पाकिस्तानिया वास्ते तालियां तालियां। इसलिए ना हमने आज ये डिसाइड किया है
कि हमारी जो ढोलकी होगी वो वक्रे टाइप की होगी जी। वो कैसे है तो हम पंजाबी हाँ। लेकिन हमने आज कोशिश की है कि हम पूरे पाकिस्तान के गाने गाएं। हाँ उसके लिए हमने गाने सीखे स्पेशल हाँ। तो कोई गलती शलती हो जाए ना तो हमें माफ कर देना, पता है क्योंकि हमें आती तो नहीं है इतनी सारी जबाने, लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी ना थोड़ी थोड़ी करके सीखी है। तो मेरे ख्याल में हम शुरू करें। शुरू हमें कहाँ से करना? इधर देख शीशा नहीं जे, किधर से शुरू करें? कौन सा गाना? कश्मीर। चलो चलो जी, 1 2 3 गो। अब हमारा दूसरा गाना है स्पेशल एडम आप सबके लिए, अबे बूटे की तरफ से पश्तो गाना। अबे बूटे ने स्पेशल सीखा है स्पेशल जी, तो पिशावर वाले आस्ते पश्तो गाना। माता पश्मीना का कंदन माता बामा मिटे गाना गाना बामा मिटे चिट्ठी के यहाँ पे खूब रौनक लगी है। तो बेटा क्या मसला है, हमारे यहाँ भी लग जाएगी रौनक, क्यों जमीला? ना भाई ना, हम उन जैसे गंवारू और देहाती नहीं है जो आपे से बाहर हो जाएं। तो मामा खुशी मनाना क्या आपे से बाहर होना होता है? हाँ तो हम खुशी मनाएंगे ना खूब मिठाइयाँ खाकर। ठीक है फिर एक काम करेंगे कि बारात वाले दिन हम अपने साथ ढोल वालों को भी लेके जाएंगे। खबरदार जोसेफ, हम डिसेंट लोग हैं, तुम्हारे ससुराल वालों की तरह चिचोरे नहीं है जो ढोल वालों को साथ लेकर जाएंगे। पापा देखे ना मम्मी को। जमीला बच्चा है, हल्ला गुल्ला करना चाहता है, खुशियां मनाना चाहता है, क्या मसला है, करने दो उसकी खुशी पूरी। आप माने ना माने ये उसी गंवार खानदान की लड़की का असर है इस पे। आप भी ना देख रहा हूँ तुम भी हर चीज में पंगे करती हो। जरा सी बात करो मुझसे नोट के चला जाता। हमें एक अंदर की खबर भी मिली है, अंदर की खबर बताऊं? हमारी सबसे ज्यादा रेटिंग जो आ रही है ना वो किधर से आ रही है? पिंडी इस्लामाबाद से जी। उनके लिए स्पेशल गाना गा रही है कौन भाई? मामे पिना। Yeah!
बापू ने अच्छा चुआ। जी बारी आई है हमारी सबसे प्यारी राजकुमारी बारी न्यारी धरती सोनी सिंध की। अच्छा जी, जी जी, लेकिन एक मसला है, मुश्किल है सिंधी गाने, आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो मीता जो है ना, मीता मीता ने ना सिंधी गाना तैयार किया, हम इसका साथ देंगे। कसम हमें नहीं पता कि क्या गा रही है, लेकिन ये कह रही है कि इसने सही तैयार किया है। तो ना भूल चूक की माफी। चलो जी मीता, प्राउड ऑफ यू। चलो जी मीता, यू आर ग्रेट। 2 3 मोर चोटिले राणा, मोर चोटिले, ओ मोर चोटिले राणा, मोर चोटिले, मोर चोटिले राणा, मोर चोटिले, मोर चोटिले राणा, मोर चोटिले, ओ तन बिदाना ता, ओ तन बिदाना ता, ओ तन बिदाना ता, ओ तन हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। हाँ जी, एक और हमारा प्यारा प्यारा सूबा जी, उसका नाम है सहजी बलोचिस्तान। सोई कैसे तो जखीरे, तो पता नहीं क्या क्या है वहाँ पे जी, बन रहा है जी, उधर से बड़ी बड़ी तजारते होंगी। तो हमारे प्यारे बलोचिस्तान के लिए हमारी तरफ से एक तोहफा, लेकिन हमें तो नहीं आती थी ना, मुश्किल थी थोड़ी। तो ये हमारा बच्चा है, अपना आसान नाम है इसका है, ये ना ये हमारी हेल्प करेगा, इसने हमें गाना सिखाया है, जो हमारी कैमरे टीम में होता है। तो है ना साथ, गाएगा ना हमारे साथ। चलो चलो जी, तो 1 2 3 बाबूले सीरे शुभे मल्ले वश मल्ले, बाबूले सीरे शुभे मल्ले वश मल्ले, क्योंकि बाजी अर्शाद है ना ड्रामे का नाम। तो अनाउंसमेंट तो मैं करूंगी ना जी। वैसे अगर अभी बूटे को थोड़ा सा मौका और देते ना बोलने का, तो ड्रामे का नाम बाजी बूटा और जाना। ड्रामे का नाम बाजी बूटा होता और इनका नाम अब्बा पीनो, अब्बा पीनो। यस मिक्स प्लेट। लेकिन इसलिए ना अनाउंसमेंट आ रही, मैं कर रही हूँ, जितना मजा आ रहा है ना, है ना, मैं अनाउंसर भी बन सकती थी। है नाजरीन, आप देख रहे हैं बाजी अर्शाद। उर्दू उर्दू। अच्छा जी, अच्छा जी, तो अब ना क्योंकि हम हैं तो पंजाबी और हमने पंजाबी सॉन्ग तो गाना ही होता है, तो हमारी चिट्ठी क्योंकि बहुत चिट्ठी है, और इसकी शादी जो है वो जोधपुर ब्लैक से हो रही है। करार पाई है, करार पाई है, करार। कोई नहीं मजाक है ना, कोई नहीं मजाक है, मजाक है। तो क्या हुआ, इतना मखौल तो चलते है ना शादियों में।
हाँ वो करार पाई ना वो मैंने एजी साहब से सीखा जेंटलमैन आदमी ना दो शादी होना करार पाई है इसलिए हम स्पेशल पंजाबी गाना गाएंगे कौन सा पला तू मखौल बांध कर कमीज तेरी काली मेरे कमीज तेरी आखिरी गाना है और ये स्पेशल उर्दू गाना है और ये आखिरी गाना इसलिए है क्योंकि हमने अभी रोटी लेने जाना है मैंने और राजे ने और स्पेशल रोटी बनी है भाई सबके लिए स्पेशल बोटियां है अरे सरप्राइज भी रहने दो कोई अच्छा जी तो ये हमारी पड़ोसन है हमारा बड़ा ख्याल रखती है इनका नाम है जी शबाना और उर्दू गाना हमारे लिए गाएंगी ये हम देंगे इनका साथ है जी और उसके बाद में राजा ला के लाएंगे रोटियां क्योंकि उर्दू हमारे लिए सबसे प्यारी है जी हमारी कौमी जबान है क्या हो जो हमें पढ़नी नहीं आती है ओके 1 2 3 मैंने अबे बूटे ओ तेरी याद आ रही है मुझे वाह जी वाह शुक्र है तेनु तेरा बुड्ढा प्यो याद आ रहा है मगर ये तो बता के याद आ क्यों ना है अबे बूटे और जब बंदा सख्त किस्म की मजदूरी करके सोता है ना तो पहले बड़ी याद आती है अपनों की ओ मेरे बच्चे मजदूरी सख्ती होती है मजदूरी कभी नरम नरम नहीं हुई है अबे बूटे वो हाथ टूट गया है मेरे बड़ा दर्द होता है जिस्म में और तो फिर तू जाके इलाज कराना किसी डॉक्टर को दिखा या फिर तू एक काम कर के दूध के बीच ना तू हल्दी डाल के ना तू वो पी और नहीं पीना कुछ मुझे दो शब्द वापस बुला ले मुझे नहीं होती मेरे से इतनी मजदूरी नहीं कर सकता इतनी मेहनत में हाँ तो फिर ये कहना कि मजदूरी होनी नहीं सख्त काम तुझसे नहीं होता इसलिए वापस आना चाह रहा है तू मेरी बात सुन ले अब्बू
आखिरी बात कर रहा हूँ मैं, हमने ना साजदा की जो शादी है ना वो तय कर दी है, उसकी शादी कर देंगे अच्छे तरीके से, फिर तू वापस आ गई। हाँ उससे पहले आने की मेरे से बात ना करी वरना मैं फोन में घुस के तेरे दंत तोड़ दूंगा। सबको अपनी अपनी फिक्रें पड़ी हैं। मजदूरी बड़ी सख्त है, मजदूरी ना हुई बोटी हुई, कभी नरम खा लो कभी सख्त खा लो, कभी हड्डी चबा लो कभी ना चबाओ। पागल का पुत्र, और नहीं पागल का पुत्र नहीं, बूटे का पुत्र। हाँ बूटे का पुत्र। भूल गई मैं ओ जाने, ओ जिस्मा ये ते मैं पुल्ली डुल्ली, ओ जवानिया माने। किदा फोन है, कौन है, कोई होएगी कोई डैन, पता नहीं क्यों करन दी। निर्शाद निर्शाद, ये तेरा फोन आई आई ये आया छेती आया। हाँ सीधा फोन जे, फोन पे झंडे मनु की पता किदा फोन है, तुम्हारे पुत्र दा फोन जे। हाँ अकरा दा, उनका सेब खाने। हेलो निर्शाद, कुछ रहम खा मुझ पे। हाँ तो मैं क्या करूं, ओ बता के थक गया हूँ, बड़ी सख्त मजदूरी है, वो कमर टूट गई है, वो लाते जवाब दे गई है मेरी, ओ बहुत दर्द होता है जिस्म में, मजदूरी नहीं होती मुझसे। हाँ तो मजदूरी सख्त ही होती है, अपने रोने ही रोता रही, कभी मेरा हाल ना पूछना मुझसे। ओ तुझे क्या होना है, और तू तो उधर सबके साथ रह रही है हंसी खुशी घर पे, और परदेश में तो मैं मार रहा हूँ ना, जान मेरी निकल रही है। बिल्कुल मजदूरी से कोई मरता होता ना अकरम, तो मैं कब की मर गई होती। तुझे क्या होना है, तू तो वैसे ही नहीं मरती, इतनी सख्त जान है तू। तो तू भी हो जा थोड़ा सख्त जान, हैं? इतना नाजक क्यों बन के फिरता रहता है। ओ माफ कर दे मुझे, वापस बुला ले, ओ छोटी सी गलती की थी, इतनी सख्त सजा ना दे मुझे। खबरदार खबरदार, जो तूने ये बात अपने मुंह से भी निकाली है, मेहनत मजदूरी कर और मुझे तंग ना किया कर इस तरह, हर वक्त रोना लगाई रखता है, मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं कर सकती। खबरदार जो तूने मुझे इस बात पे फोन किया। मैं बुला ला ना मेरे पुत्र नो। अच्छा बुला लूं उसे, खबरदार तुझे भी कह रही हूँ, खबरदार जो ऐसे लाड किए, लाड कर करके उसे लाड की बोबो बना दिया, और अगर उसको बुला लिया, कुड़ी का ब्याह है फिर की होगा, खर्चे कौन पूरे करेगा। हाँ झाड़ू पोछे से मैं हजारों कमा सकती हूँ, लाखों का ब्याह नहीं कर सकती, काम करने दो उसे। एज यू विश है, मैं आगे कर सकती हूँ। हाय डैनी बन गई बीवी भी, हाय वे अकरम तू आया, पाकिस्तान च बड़ा पैसा ही, हुण ते ग्वादर भी बन दे आई, मेरे पुत्रा ने तो मेरे अरमान नहीं पूरे किते, मैं अपनी कैल्शियम दी कमी तो पूरी कर ला। तूने क्या ठाक ठोक लगाई भी है यार, पहले ही सर में बड़ा दर्द है। मम्मी नाश्ता ला रही हूँ, जोजा ला रही हूँ। अरे मेरे बच्चे को बहुत भूख लग रही है। हाँ मम्मी लाई बेटा लाई, बस ये लो ये लो। अरे वाह दो अंडे। वो मेरा बेटा मेहनत जो इतनी करता है, तो खाना तो ठीक से खाया कर। अब और भी मेहनत करूंगा मम्मी, एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर रहा हूँ। हाँ वो क्यों बेटा, शादी के लिए। अरे मेरे बेटे तुम क्यों फिकर करते हो, मैंने जो जमा करके रखा हुआ है तुम्हारे लिए तो है, मैं करूंगी ना तुम्हारी शादी, तुम बस बेफिकर हो जाओ। नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं चाहता हूँ कि साजिदा की जो चीज हो वो उसकी पसंद के मुताबिक हो। उसकी क्या पसंद है बेटा, तुम उसे पूछ कर बता दो, मैं उसकी अच्छी सी बरी तैयार कर दूंगी। नहीं मम्मी आप कुछ ना बनाए, बस आप साजिदा को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाए। क्यों मेरी पसंद में क्या खराबी है। मम्मी खराबी नहीं है कोई, बस साजिदा की पसंद कुछ ज्यादा अच्छी है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि साजिदा के लिए जो भी कुछ आए वो उसकी पसंद के मुताबिक हो, उसे पसंद आ जाए। ऐसी भी क्या तुम्हारी महारानी साजिदा है, तो उसी गवारन पीनू की बेटी। मम्मी ऐसी बात ना कीजिए, उसकी चीजें उसकी पसंद से बन जाए, इस्तेमाल तो उसी करनी है ना, और वैसे भी एक आध दिन में मैं आपको 5,000 रुपए दे दूंगा, और 5,000 रुपए आप अपनी तरफ से मिला दें तो एक अच्छी सी बरी तैयार हो जाएगी। बढ़िया ही महारानी लेडी डायना।
हाँ जोसेफ तैयार हो रही हूँ, तेरी मम्मी के आने से पहले ना मैं तुझे रेडी मिलूंगी। अच्छा सुन, वो मैंने मम्मी से कह दिया है तुझे जो पसंद हो वो तुझे लेकर दे, तू पैसों की फिक्र मत कर, मैंने इंतजाम कर दिया है। हे जोसेफ, चिट्टी तो तैयार नहीं हुई अभी तक, हो गई तैयार भाजी शान? ये पहनेगी? नहीं नहीं, वो वाले, वो दोनों ही बड़े पैड़े हैं। बाजी आलिया ने मुझे बड़ा प्यारा सूट दिया है, वो पहन के जाएंगे। अच्छा मैं देती हूँ तुझे। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी सास के साथ जा रही है शॉपिंग करने, जरा ध्यान रखी, महंगी महंगी चीजें ना खरीदे। बाजी शाह चीजें तो मैं पसंद की लूंगी, देख पसंद की चीजें लेना लेकिन महंगी ना लेना, तुझे पता है ना तेरी सास वैसी बड़ी औखी है। औखी क्या होता है? औखी का मतलब है मुश्किल। लेकिन जोसेफ ने कहा है तू अपनी पसंद की चीज लेना, पैसे की फिक्र ना करना। हाय दमानिए, वो जोसेफ ने कहा है, तेरी सास तेरे प्यार में पागल नहीं है, जोसेफ तेरे प्यार में पागल है। और ये सासें ना बड़ी अजीब होती है, कहती कुछ है करती कुछ है, पता नहीं चलता इनका, नाजक रिश्ता होता है बहुत। बस ध्यान नाल सस्ती सस्ती चीजें लेना, महंगी चाहिए ना तो मैं दिला दूंगी। चलो आ कपड़े दू, आ जा। इतना प्यारा माल है यहाँ पे, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इतना बुरा बुरा सब कुछ है। अरे जमीला आंटी, यहाँ मैं बहुत मरतब आई हूँ, ब्रांड वाला मेकअप मिलता है यहाँ पे, मैंने बहुत मरतब शॉपिंग तो ना मैं यहीं से करूँगी, यहाँ पे पड़ोस से लेके ना ज्वेलरी तक है सब कुछ है। यहाँ पे बड़ी महंगी चीजें मिलती होंगी चिट्टी। नहीं कोई नहीं, चले ना मैं लेके चलती हूँ। जमीला आंटी कितने प्यारे सूट है, ये तो है। चिट्टी यहाँ देखो, यहाँ कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं, ये देखो कितना प्यारा सूट है, ये देखो इधर देखो, अरे ये तो मेरे जोसेफ को भी अच्छा लगेगा। ये तो ब्रांड वाला नहीं लग रहा। अच्छा मैं तुम्हें दूसरा दिखाती हूँ, दूसरा दिखाती हूँ, ये रहा। ये देखो, ये देखो कितना प्यारा है, ये तो बहुत ही प्यारा लग। आंटी जमीला मैं कोई औरत थोड़ी ना हूँ, कौन से कलर दिखा रही है? ये देखो, ये देखो, ये अच्छा है, ये देखो ये तो चीप, बड़ा चीप सा लग रहा है, मुझे नहीं पसंद। अच्छा चलो मैं तुम्हें दूसरा दिखाती हूँ, ये देखो ये तो बहुत अच्छा है। ये कहाँ घुस गई? ब्रांड वाला लग रहा है, ये लूंगी मैं। हाँ जो सबको बड़ा पसंद आएगा। और ये वाला भी लूंगी, दोनों लूंगी, वो भी अच्छा लग रहा है जान देना। और पता है इसके साथ ना मैं मैचिंग का पर्स भी लूंगी, चप्पल इसके साथ का ना मैं दुपट्टा भी ले लूंगी, दुपट्टा भी मैचिंग। अरे आप सुनो तो सही, इसके साथ ना चूड़ियां भी लूंगी। यहाँ पे मुझे तो 3-4 ऐसे और भी कलर है, और भी मंगवा के इसी तरह के ले लूंगी। मुझे बहुत पसंद आ रहा है कढ़ाई, तो देखे हम सिर्फ कढ़ाई कितनी मुझे नहीं अच्छी लग रही, चिट्टी अच्छी नहीं है। अरे बहुत अच्छी है, इसके साथ की ना मैं ज्वेलरी भी लूंगी, ज्वेलरी भी लूंगी। हाय कितना प्यारा है, यहाँ तो है, यहाँ तो है ना, ब्रांड वाला पर्स है, पर्स। अच्छा लोग ठीक है, रख दो रख दो, हमारे पैसे मैचिंग हो गए, बड़ा प्यारा ब्रांड दिलाऊंगी। अरे अरे अभी पैसे खत्म हो गए, अरे अरे भाई भाग, पैसे खत्म हो गए मेरे पास, अभी आ जाओ। नहीं अब्बू से तो काफी टाइम से मेरी कोई बात ही नहीं हुई, वो सीधे मुंह बात करते कब थे, गरम मिजाजी कब थे वो, खैर अब तो बहुत ही अजीब हो गए। अच्छा हैरत की बात है, मुझसे तो बिल्कुल ठीक तरीके से बात करते, अभी मेरी कल ही बात हुई। रहने दो अमीन, ये तुम्हारी बीवी की चालाकी है, अब्बू के आगे पीछे घूम रही होती है, अब्बू को दीवाना बना के रखा हुआ है उसने। अब आप उसकी खिदमत को चालाकियों का नाम दें तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस अब आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। काम होता ही क्या है घर में, हर काम के लिए तो नौकर है, उसको करना ही क्या होता है घर में काम। राबिया आपा कैसी बातें कर रही हैं, कभी नौकरों पर भी घर चले, आपका घर नौकरों के सर पर चल सकता है क्या? ज्यादा मेरी मिसालें देने की जरूरत नहीं है अमीन, भाई माशाल्लाह मेरा भरा घर है, मेरा ससुराल है, 10 लोग आने जाने वाले हैं, और वैसे भी तुम्हारी बेगम साहिबा ने कौन सी खुशखबरी सुना दी यहाँ पर। राबिया आपी अभी अल्लाह की मर्जी, और अल्लाह की मर्जी के सामने कोई क्या कर सकता। हाँ लेकिन तुम बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। मसलन? अरे भाई दूसरी शादी कर लो। क्या
अमीन बात को समझने की कोशिश करो। भाई आलिया यहाँ पर है, अब्बू के साथ है, ठीक है, तुम वहाँ पर अकेले हो, तुम्हारी तन्हाई भी तो मिटनी चाहिए ना, तुम दूसरी शादी कर लो। भले तन्हाई के लिए ना सही, औलाद के लिए तो तुम दूसरी शादी कर ही सकते हो। ओ, अब समझा मैं, तो नीलोफर फुफो ने आपको मेरे पीछे लगा दिया। अमीन देखो मेरी बात को समझो। नहीं राबिया आपा, आप देखिए और मेरी बात कान खोल के सुनिए। जो काम आपके और मेरे करने के थे वो आलिया कर रही, उसे मेरी खातिर जो कुर्बानियां दी वो मैं कभी नहीं भुला सकता, और मुझे आलिया से बहुत प्यार है। हेलो हेलो अमीन, हेलो हेलो, ये पैसे बचे हैं जोसेफ, ये देख, ये 7 रुपए बचे हैं पूरी शॉपिंग में से, हैं? मैंने सोचा था 2-4 कमीजें ही अपने लिए ले लूंगी। अरे कमीज तो छोड़, एक जूता ही अपने लिए ले लूंगी, लेकिन तेरी चिट्टी ने तो हद ही कर दी। ऐसा भी क्या हो गया मम्मा? जोसेफ जो चीजें मैं उसके लिए पसंद कर रही थी ना, उठा उठा के फेंक रही थी। अरे इतनी महंगी महंगी कमीजें पसंद कर रही थी, अरे बड़ी तेज लड़की है मम्मी। जोसेफ मैं बता रही हूँ, ये तेरी कमाई को बड़ा उजाड़ेगी, अभी भी वक्त है, तो मम्मी तोड़ दे। मम्मी उसने मेरे लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, और अगर 4 चीजें उसने अपने लिए खरीद ली हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? और मैं इन 4 चीजों के लिए इसको छोड़ दूं? और मम्मा मैं आखिर कमा किसके लिए रहा हूँ? हाय जोसेफ, तू चिट्ठी के लिए कमा रहा है, अपनी माँ के लिए नहीं कमाता, और मैंने तेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। मम्मी देखे ऐसी कोई बात नहीं। अरे जोसेफ छोड़, कैसी बातें करता है, पाल पोस के तुझे जवान किया मैंने, तूने ये सिला दिया अपनी माँ को। जा जोसेफ जा, छोड़ मेरा हाल, मैं देख लूंगी तुझे किस तरह की बातें करता है माँ के लिए। छोटा देवरा भाभी नाल लड़ी आई।